शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां अखबार फरोश फेडरेशन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल टिका खान ने कहा कि रियासत ने अखबारात को सनत का दर्जा तो दिया लेकिन इस सनत से जुड़े लोगों की सनत से डिक्लेयर नहीं किया गया। मुसलमानों की आज़ादी में सिंध का बड़ा किरदार है और सिंध औलिया अल्लाह की धरती है। अखबार फरोश फेडरेशन अखबार फरोशों की सबसे बड़ी ताकतवर तंजीम है। इन ख्याल का इजहार उन्होंने सैयद अफजाल शाह अखबार मार्केट में अखबार फरोशों से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर अखबार फरोश फेडरेशन के अहदेदारान मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शफीक, नासिर निसार, चौधरी नज़ीर, मुश्ताक अहमद, अब्दुल नबी, हाजी गाजी खान, यूसुफ शाह, नज़ीर मोहम्मद नासिर, सैयद जमीर शाह, मलिक एडीबी, शेख सलाहुद्दीन, सैयद आमिर शाह और दीगर मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के अखबार फरोशों का मशकूर हूँ और मैंने कोशिश की है कि सिविल सोसाइटी में अखबार फरोशों को आला मकाम हासिल हो। इस वक्त अखबार फरोशों की सबसे बड़ी ताकतवर और सबसे बड़ी तंजीम है। उन्होंने कहा कि अदारों से हमारी शराकत दारी असूलों की बुनियाद पर है। उन्होंने मजीद कहा कि प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग इस वक्त मुश्किल में है। रियासत ने अखबार को अखबार की सनत का दर्जा दिया लेकिन कानूनी तौर पर इसे सनत डिक्लेयर नहीं किया गया। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि अखबारात से जुड़े अफराद ने आपके वजीर आजम बनाने में बड़ी मदद की। अगर आप इनको इनाम या सहूलियात देना चाहते हैं तो अखबार को सनत का कानूनी दर्जा देकर इन्हें सहूलियात फराम करें ताकि वो भी अपने बच्चों को पाल सकें और अपने बच्चों की शादियाँ कर सकें। इससे कबल इनकी आमद पर तमाम मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया और इन्हें अशरक के तहफ पेश किए गए।